ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। माँ लक्ष्मी की कृपा कौन प्राप्त नहीं करना चाहता, और माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना यहाँ पर कुछ भी चीज़ें, कुछ भी बातें, कोई भी काम हमारा सफल नहीं हो पाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में शांति, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। कई बार हम आर्थिक रूप से कई सारी पीड़ाएँ, कई सारी परेशानियाँ झेलते हैं, और उस वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई हमारे पैसे लेकर नहीं वापस लौटाता, कई बार हमारे पैसे डूब जाते हैं, कई बार हम कर्ज का शिकार हो जाते हैं, कई बार कोई काम हमारा नहीं हो रहा है या हमारा पैसा फंस जाता है। तो ऐसे जातक, जिन जातकों को आर्थिक रूप से कई सारी परेशानियाँ झेल रहे हैं, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। और दूसरे वो जातक जो चाहते हैं उनके लाइफ में धन रहे, धन रुके, धन आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, रुके, वो भी इस पूरे वीडियो को देखें। और तीसरे वो जातक जिनके लाइफ में अभी तक धन से संबंधित कई सारे स्ट्रगल झेल रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखें। ये तीनों जातक इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखकर अपनी खुद की मदद के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करें। वो इसलिए करें ताकि आपकी राशि से जुड़े हुए सकारात्मक वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, मान लीजिए किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में, या कोई प्रश्न, या किसी भी बेचैनी से आप अपनी लाइफ में वर्तमान में गुजर रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आएँ, अपॉइंटमेंट लें और फिर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब कभी भी जो व्यक्ति आर्थिक रूप से असमानता या आर्थिक रूप से पीड़ाएं झेल रहा है, ऐसे जातकों को भगवान भोलेनाथ पर काले कपड़े में खड़ा नमक बांधकर जरूर अर्पित करना चाहिए। खड़ा नमक और काले कपड़े में जब आप बांधकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो शुक्र और राहु दोनों का उपाय है। उसे अर्पित करने के बाद या तो कहीं जमीन में गाड़ दे या किसी भी महानदी में, किसी भी बड़ी नदी में प्रवाहित कर दे। दूसरा है कि नियमित रूप से गीता का अध्ययन करें। गीता का 11वां अध्याय तो पाठ आपको करना ही है। जैसे आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से जितनी सारी तकलीफें हो रही हैं वो खत्म हो जाएगी। तीसरा, भगवान विष्णु के चरण अपने घर में जरूर रखें। जो भी अपने गांव, शहर, नगर में भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां पर आप एक चरण खरीद कर ले जाएं, भगवान के चरणों को स्पर्श करें और स्पर्श करने के बाद उसे वापस अपने घर में लेकर रख दें। जब आप ये तरीका, ये उपाय करेंगे, भगवान विष्णु के चरणों को अपने घर में रखेंगे, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और कभी भी आपके घर धन की कोई कमी नहीं होगी। चौथा है महिलाओं का सम्मान। महिलाओं का सम्मान, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से जातक कहने को महिलाओं का सम्मान करते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं करते हैं। तो वास्तविकता में महिलाओं का सम्मान करें, उससे ही घर में बरकत होगी, उसमें ही घर में सभी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।